नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। गुजरात निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। प्रदेश में 6 नगर निगमों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपना वोट डाला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परिवार के सदस्यों के साथ अहमदाबाद नगर निगम के नारनपुर वार्ड में अपना वोट डाला। मतदान के बाद पत्रकारों से बातचीत में अमित शाह ने कहा कि सरकार सबके विकास के लिए काम कर रही है। गुजरात में विकास यात्रा जारी है। गुजरात नगर निकाय के चुनाव के लिए मतदान केंद्रों पर लोगों की लाइन लगी हुई है। बड़ी संख्या में लोग वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। नगर निगम के चुनाव को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है। गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, भावनगर, जामनगर और राजकोट में नगर निगम चुनाव के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। इन 6 शहरों में हो रहे चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है, जिसे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के लिए एक परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये चुनाव ही अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का मिजाज तय कर सकते हैं। इस चुनाव परिणाम पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। इस चुनाव में AIMIM और आम आदमी पार्टी भी पहली बार मैदान में है। बता दें कि कुल 575 सीटों के लिए मतदान होगा, जिसके लिए 2276 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से बीजेपी के 577, कांग्रेस के 566, आम आदमी पार्टी के 470, एनसीपी के 91 और अन्य दलों में 353 तथा 228 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। चुनाव की मतगणना 23 फरवरी को होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।